नमस्ते छात्र, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है हमारी ताकत और जिम्मेदारियां। इस पाठ के लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। अगस्त सन 1951 को दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण का एक अंश है। और एक बार बताती हूँ, सन 1951 अगस्त 15 को लाल किले पर नेहरू जी ने झंडा फहराया। उसके बाद उन्होंने देशवासियों के नाम अपना संदेश दिया। यह पाठ उसी भाषण का एक अंश है। नेहरू जी ने अपने भाषण में हमारी ताकत के बारे में बताया, हमारी जिम्मेदारियों के बारे में कहा। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। नेहरू जी कहते हैं कि यही इस पाठ का पगला अनुच्छेद है। इस पाठ में नेहरू जी कहते कि आज पांचवी बार मैं यहां लाल किले की दीवार पर आया हूं। इस प्यारे झंडे को फगराने के लिए नेहरू जी कहते थे कि आज पांचवी बार क्या कहते थे आज पांचवी बार मैं यहां लाल किले की दीवार पर आया हूं। मैं कितने बार क्या कहते हैं पांचवी बार ये लाल किले की दीवार पर आया हूं इस प्यारे झंडे को फहराने के लिए। चार बरस हुए और मुनासिब था कि आप और हम उस मौके को मनाने के लिए यहां जमा हो। मुनासिब का अर्थ है उचित। चार बरस हुए और यह उचित था कि उचित भी कह सके, योग्य ऐसा भी कह सके, और उचित था कि आप और हम इस मौके को मनाने के लिए, इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए यहां जमा हो। यहां इस लाल किले की दीवार पर या इसके करीब, क्योंकि इस किले की एक एक ईंट और पत्थर और जैसे कि इस दिल्ली की एक एक ईंट और पत्थर हिंदुस्तान की तारीखों से भरा है। तारीखों का अर्थ है इतिहास। इस किले की एक एक ईंट और पत्थर इस किले के एक लाल किले की एक एक ईंट और पत्थर जैसे कि इस दिल्ली की एक एक ईंट और पत्थर हिंदुस्तान की इतिहास से भरा है। लाल किले की एक एक ईंट और पत्थर जैसे कि इस दिल्ली की एक एक ईंट और पत्थर हिंदुस्तान की तारीखों का अर्थ इतिहास से भरा है। इस शहर ने हिंदुस्तान की शान देखी। ये दिल्ली शहर ने हिंदुस्तान की शान देखी। शान का अर्थ इज्जत देखी और हिंदुस्तान का गिरना देखा।
ये शगन है, ये दिल्ली शगन है, हिंदुस्तान की इज्जत देखी और हिंदुस्तान का गिरना देखा, हिंदुस्तान का आगे बढ़ना देखा और उसका पतन देखा, ये सब देखा ये शगन ने। क्या क्या देखा और एक बार बताती हूँ, इस शगन ने हिंदुस्तान की शान देखी, शान को क्या कहते हैं, इज्जत कहते हैं। इस शगन ने हिंदुस्तान की इज्जत देखी, हिंदुस्तान का गिरना देखा, इसी तरह हिंदुस्तान का आगे बढ़ने देखा और हिंदुस्तान का आगे बढ़ना देखा और उसका पतन देखा, इस सब इस शगन ने देखा। दिल्ली की याद में, दिल्ली की दिमाग में ये सब पुरानी तस्वीरें हैं। ये दिल्ली की याद में और दिल्ली की दिमाग में ये पुरानी तस्वीरें हैं। क्या क्या तस्वीरें हैं ये सब पकड़े पड़े हैं ना, ये सब पुरानी तस्वीरें दिल्ली की याद में और दिल्ली की दिमाग में हैं। इसी तरह दिल्ली की याद में और दिल्ली की दिमाग में ये सब पुरानी तस्वीरें हैं। तो इसलिए मुनासिब था कि इस वक्त जबकि एक नई करवट कौम ने ली दिल्ली शहर और एक दिल्ली का लाल किला, इन बातों को देखता और उसे उससे इसका भी कोई संबंध किया गया। मुनासिब कहते उचित, इसे योग्य भी ऐसा भी कर सकते इसका, इसलिए ये उचित था कि इस वक्त दिल्ली शहर और ये दिल्ली का लाल किला, इन बातों को देखता और उसे इसका संबंध कोई संबंध किया जाता, इस समय इसके बारे में बताना उचित था। इसलिए एक उचित था कि दिल्ली शहर और एक दिल्ली का लाल किला, इन बातों को देखता और क्या कहना है इससे, इसका भी कोई संबंध किया गया किया जाता। आप और हम 4 बरस हुए यहाँ जमा हुए थे, कितने बरस हुए, 4 बरस हुए, आप और हम 4 बरस हुए यहाँ जमा हुए थे। इस शहर में और हिंदुस्तान के हर एक गांव और शहर में खुशी मनाई गई थी, इस शहर में ये दिल्ली शहर में और हिंदुस्तान के ये हर एक गांव और शहर में खुशी मनाई गई, क्योंकि अपने बड़े सफर की एक मंजिल पर हम पहुंचे थे। इसका रीजन है, इसका कारण है, क्योंकि अपने बड़े सफर की, बड़े यात्रा की, सफर कहते यात्रा की, एक मंजिल पर हम पहुंचे थे। मंजिल कहते मुकाम भी कर सके, लक्ष्य ऐसा भी कर सके, क्योंकि अपने बड़े सफर की एक मंजिल पर हम पहुंचे थे, जो हमारी पुरानी आरजू थी, आरजू कहते इच्छा थी, जिसके लिए संघर्ष की थी, इसके लिए हम क्या थी, संघर्ष की थी, जिसके लिए एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ, खिलाफ कहते विरुद्ध, एक बहुत बड़े साम्राज्य है ये, अंग्रेजों का साम्राज्य है, इस जिसके लिए एक बड़े साम्राज्यों के खिलाफ हमने मुकाबला की, मुकाबला करते आमना सामना और बराबरी ऐसा भी कर सके। और एक बार बताती हूँ, अपने एक बड़े सफर की, सफर करते यात्रा की, एक मंजिल पर हम पहुंचे थे। मंजिल को क्या कर सके, मुकाम भी कर सके या लक्ष्य ऐसा भी कर सके, एक मंजिल पर हम पहुंचे थे जो हमारी पुरानी इच्छा थी, आरजू को क्या कहते हैं, इच्छा थी,
जिसके लिए हमने संघर्ष की थी, जिसके लिए एक बड़े साम्राज्य के विरुद्ध खिलाफ हमने मुकाबला किया। उसमें हमारी कामयाबी हुई, कामयाबी का अर्थ सफलता हुई और हम आखिर में मंजिल पर पहुंचे। इस तरह ये सब करने के बाद, ये सब हमने किए ना, इसमें हमारी सफलता हुई, कामयाबी करते सफलता मिली। इसमें हमको क्या मिले? सफलता मिली और हम आखिर में मंजिल पर पहुंचे। मंजिल को क्या कह सके? लक्ष्य है, ऐसा भी कह सके। हम आखिर में मंजिल पर पहुंचे। इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देशवासियों के नाम अपना संदेश दिया। अब दो अनुच्छेद पढ़े है ना, इस अनुच्छेद में क्या प्रश्न पूछेंगे इसके बारे में मैं अब बताती हूँ। ये दो प्रश्न इस दो अनुच्छेद से पूछेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की दीवार पर क्यों आए हैं? इसका उत्तर क्या लिखोगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की दीवार पर क्यों आए हैं? तुम इस तरह उत्तर लिखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की दीवार पर स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने के लिए आए हैं, ऐसा उत्तर लिखना है। लाल किले के बारे में नेहरू ने भाषण है ना, लाल किले के बारे में नेहरू ने क्या भाषण दिया? नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा कि लाल किले की एक एक ईंट और पत्थर हिंदुस्तान की तारीखों से भरा है, तारीखों का अर्थ इतिहास से भरा है। इस तरह अब तक दो अनुच्छेद पढ़े है ना, इस अनुच्छेद से इसी तरह दो प्रश्न पूछे जाएगा और एक बार बताती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की दीवार पर क्यों आए हैं, इस तरह भी प्रश्न पूछेंगे और इसी तरह भी प्रश्न पूछेंगे। लाल किले के बारे में, लाल किले के बारे में नेहरू जी ने क्या भाषण दिया? इसी तरह दो अनुच्छेद पढ़े है ना, इससे ये संदर्भ सहित व्याख्या भी पूछेंगे। इस तरह पूछेंगे, उसमें हमें कामयाबी हुई और हमें हम आखिर में मंजिल पर पहुंचे, इस तरह वाक्य देंगे। तुम क्या करना है? संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। तुमको पहले ही मालूम है संदर्भ में क्या लिखना है, व्याख्या में क्या लिखना है और विशेषता में क्या लिखना है। ये सब विषय आपको पहले ही अच्छी तरह मालूम है। ये वाक्य ये दो अनुच्छेद में देंगे, संदर्भ सहित वाक्य में देंगे। उसमें हमें कामयाबी हुई और हम आखिर में मंजिल पर पहुंचे। इसी तरह इस दो अनुच्छेद से वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये पूछे तो इस तरह शब्दों को पूछेंगे। तारीख, इसका अर्थ है इतिहास। दिनांक, ऐसा भी कह सके, ऐसा भी कहते हैं, इतिहास भी कहते हैं, दिनांक भी कहते हैं। आरजू, इच्छा, साग। इसी तरह ये दो अनुच्छेद से प्रश्न उत्तर पूछे जाएगा। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ये भी पूछे जाएगा और वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये सब पूछे जाएगा। इसलिए ये दो अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ो। अब मैं ग्रह कार्य देती हूँ। अब तक पढ़े है ना दो अनुच्छेद,
इसे अच्छी तरह एक बार लिखो। धन्यवाद।